मोदी की आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, आप ले उन एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद करो। क्योंकि आप कचरा अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप ऑपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंच की छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ मेरे पीछे और मुझे बंद करो। बनाया मोदी जी एक और बात सुन लो, आरएसएस आप एक और बात सुन लो, मुझमें इतना भी डर नहीं है आपसे, इतना भी नहीं है उठा के, इतना सबर नहीं है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा, गरीबों के लिए लड़ूंगा, किसानों के लिए लड़ूंगा, मजदूरों के लिए लड़ूंगा। और आपको भूख होते हो हिंदुस्तान से, अरे प्रूफ देंगे तो सजा के लिए उनको तैयार हो कि ना हो, वो तो पुलिस आकर उनको उठा के ले जाएगा। ये इनके मर्जी से नहीं चलेगी ये। यदि वो वास्तव में इसका अंत चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और 1 साल नहीं 5 साल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी थे तो उनके दस्तखत से गई होगी, इसको वो हमें सुपुर्द कर दें, नंबर वन। नंबर टू, सफाई दे कि आपने एक कंपनी स्थापित की थी लंदन में, हमारी कानून के अनुसार आप नहीं कर सकते, तो ये बताइए कि इतने दिन आपने इसको गुप्त क्यों रखा। वो तो ये देखिए, वो तो थर्ड क्लास आदमी है, वो तो स्कूल पर मुझे कॉलेज तो पास कभी नहीं किया, उसकी कोई पढ़ाई नहीं है और उसके और भी बुरे आदत हैं, तो इस प्रकार के घटिया भाषा करना उनके नेहरू परिवार, खासतौर जो इटालियन विभाग है वो इसी प्रकार है।